सो हेलो एंड वेलकम टू गाइस, मैं वनीस और ये है फार्मिंग सिमुलेटर 22 की एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड की जो पिछली सीरीज थी तब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, नो लैंड और नो मनी। तो मनी तो हमने पिछले वाले एपिसोड में कुछ कमा लिए थे पेड़ काट के, तो और उसके बाद हमने एक खेत बनाया था। तो आज ओबियसली हम यहाँ पे एक अपना छोटा सा हाउस बनाने वाले, हाउस तो नहीं बोलेंगे, टेंट हाउस लगाने वाले। और जो पानी का टैंकर था वो मैंने बेच दिया। क्यों बेचा आगे आप लोगों को रीज़न पता चल जाएगा। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे, और जैसे हम कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को टेंट हाउस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कहाँ गया, ये रहा टेंट हाउस। और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेंट हाउस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और अगर नहीं है आप लोगों की गेम के अंदर तो मोड अप से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेंट हाउस लगाऊंगा यहाँ पे, और ये तो 10,000 का है भाई, ये काफ़ी महंगा, ये नहीं लगा सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त हम। तो ये है $500 का। तो $500 में क्या आता है, कुछ नहीं आता, दो पेड़ काट देंगे तो $500 इजी है, कमा लेंगे, इजी पीजी है $500 कमाना है तो बस। और अब आप लोग एक चीज़ देखोगे, मैं इसको जैसे जैसे इधर उधर हिला रहा हूँ वैसे वैसे डॉलर भी कम हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम डॉलर में मैं इसको इंस्टॉल कर सकूँ, और ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, और फाइनली एक अच्छी सी जगह मिल जाए हमें। तो क्योंकि मैं इसको जितना इधर इधर घुमा रहा हूँ उतनी ही, मतलब ये देखिए पैसे कम हो रहे हैं, तो जितने पैसे कम हो उतना अच्छा है अपने लिए। तो यहाँ पे वेल गाइस मैंने फाइनली इसको यहीं पे इंस्टॉल कर लिया। चलिए मैं अब आप लोगों को इसके अंदर का लुक दिखाता हूँ, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा हमें। यहाँ पर कैंप फायर है, रात को जलाएँगे इसको, चलो दैट्स गुड। यहाँ पे एक पंखा है, और यहाँ पे जनरेटर दिया है इन लोगों ने मेरे को, बहुत सही भाई। तो जनरेटर से हम रात को लाइट की प्रॉब्लम ख़त्म अपनी। तो यहाँ पे अपने इस जनरेटर को रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये टिशू पेपर हैं टॉयलेट के बाद यूज़ कर, आप लोगों को पता होगा टिशू पेपर किस में यूज़ होते हैं। वेल तो यहाँ पे झूला वूला है, काफ़ी एक लग्जरियस तंबू है यहाँ पे, बढ़िया नाइस नाइस चलेगा। तो चलो अब अपना ट्रैक्टर उठाते हैं और फटाफट पेड़ काटते हैं, और पेड़ काट के हम पहुँचते हैं मील पे, मील से लेके आएंगे सीडर्स कुछ सीड, और उसके बाद इस खेत के अंदर कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे उगाना है। और चलो चलते हैं फटाफट ऊपर की तरफ चलते हैं और एक पेड़ काट ही लेते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं खाली खाली जाऊँगा, इससे अच्छा एक पेड़ लोड करके ही ले चलते हैं ना। तो जो पैसे आएंगे उनके अपने सीडर्स और सीड वगैरह भी खरीद लेंगे, और थोड़ा फर्टिलाइज़र भी खरीद लेंगे, तो सारे काम हो जाएंगे। तो बस एक पेड़ काट लूँ यहाँ से, बस पेड़ काटते मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, यूँ चुटकियों में पेड़ काट दूंगा, चुटकियों में लोड कर लेंगे अपने इस पर। चलो फटाफट यही एक पेड़ अच्छा सा दिख रहा है, मोटा तगड़ा से इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, कहाँ से उड़ाएं, कहाँ से, यहाँ से उड़ा देते हैं। चलो स्टार्ट। ये लो गाइस, तो हमने यहाँ पे पेड़ काट दिया, अब पेड़ के यहाँ छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं यहाँ पे। चलो चार पांच ही टुकड़े करेंगे, ज़्यादा टुकड़े नहीं करेंगे। ये लो भाई हमने अपने पेड़ को लोड भी कर लिया। तो अब वेल गाइस इसको चलते हैं बेचने के लिए फटाफट, कहाँ पे, मील पे, और मील पे पेड़ बेचेंगे और कुछ सामान खरीद के लाएंगे। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से चलते हैं, और मैं तो कर रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड। और यहाँ पर भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया, इतनी इस ट्रॉली की कैपेसिटी नहीं है, ओवरलोड कर रखी है मैंने, ये पलटेगी भाई, ये पलटेगी, रास्ते में पलटेगी, ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल हम पहुंचते हैं अपनी शॉप पे। पे और मेल पे इन लकड़ियों को पहले बेच देते हैं यार, और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ कांड होने वाले हैं, अभी आप लोगों को पता चलेंगे क्या कुछ कांड होते हैं यहाँ पे। मेल वाले बड़े कमीने हैं, पैसे रख लेते हैं, माल नहीं देते हैं। ये आई थिंक ये गेम का ग्लिच है कि क्या है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सीड के दो पैकेट लिए थे, उनमें से मेरे को एक डिलीवर कर दिया और एक ये खुद खा गए। तो मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ यहाँ पर क्या था हुआ मेरे साथ। तो सबसे पहले इन लकड़ियों को बेच देते हैं यहाँ पर, और लकड़ियाँ 20-25 हज़ार की तो बिक ही जाएंगी आज।
चंदन की लकड़ियां है भाई, स्पेशल चंदन। तो देखते हैं कितनी की बिकी। वाह भाई, एक अच्छा अमाउंट मिल गया। और इन पट्टियों को खोल लेते हैं। चलो फिर यहाँ पे एक सीडर्स लेंगे, सस्ता वाला सीडर्स लेंगे, सस्ते वाले सीड लेंगे अपने खेत में, उनको लगाएंगे। तो ये भी खुल जाना यार। चल खुल गई। चलो भाई चलते हैं हम अपने शॉप पे। हम अपनी तो नहीं कह सकते, गैरों की शॉप है यार, अपना जैसा तो व्यवहार ही नहीं करते वहाँ पे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। इन शॉप वालों को, सालों को कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि यार इतनी मेहनत से पेड़ काट के पैसे जमा करते हैं और ये पैसे लूट लेते हैं यार। सस्ती चीज़ को भी महंगा दे रहे हैं यहाँ पे। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना ट्रैक्टर पार्क करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्यों ना मैं अपने ट्रैक्टर में फ्रंट लोडर इंस्टॉल कर लूँ यहाँ पे। आइडिया अच्छा है मेरा, क्योंकि फ्रंट लोडर की अपने को ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं सेटिंग पे, और यहाँ पे अपने ट्रैक्टर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, फ्रंट लोडर लगा लेते हैं इस ट्रैक्टर में। तो कस्टमाइज, और यहाँ पे यार फ्रंट लोडर का तो ऑप्शन है ही नहीं। ये क्या है भाई, गई भैंस पानी में। तो इस ट्रैक्टर पे तो हम फ्रंट लोडर लगा ही नहीं सकते यार। ये कंपनी वालों ने क्या झोल मारा है यहाँ पे। ये टायर वायर मॉडिफाई हो रहे हैं यहाँ पे भाई, ये सब मॉडिफाई नहीं करना यार। काफ़ी बुरा लगा है इस ट्रैक्टर के बारे में जानकर। तो इस ट्रैक्टर को तो मॉडिफाई करके फ्रंट लोडर लगा ही नहीं सकते। अभी क्या करें, एक बार और देख लेता हूँ कहीं इधर उधर ऑप्शन हो तो। नहीं भाई, इसका यहाँ पे मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नहीं है। कोई ना यार, बड़ी मायूसी हुई। इस ट्रैक्टर पर अगर फ्रंट लोडर लग जाता तो 2 पैसे बच जाते और अपनी थोड़ी हेल्प हो जाती, क्योंकि 4 क्लिप तो यार फिलहाल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अभी। तो मैंने सोचा कि इसी से काम चला लेते हैं। सो वेल गाइस, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, देख रहे हो कितना शानदार और आलीशान है ये। चलो ठीक है, खरीदते हैं अपना सामान। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक सीडर, तो सीडर ढूंढते हैं यहाँ पे। सीडर सस्ता से मिल जाए, एक सस्ता सुंदर टिकाऊ सा सीडर। ये तो बहुत महंगे महंगे हैं, देख रहे हो इनके भाव, देख रहे हो। लेकिन एक बार देखने में क्या जाता है, देखने में थोड़ी पैसे लगते हैं यहाँ पे, है ना। तो और यहाँ पे ये यूज मशीनरी है, यूज मशीनरी में ऑफर चल रहा है, लेकिन इन मशीनरियों को हम लेके करे तो करे क्या, ये कोई यूज वाली नहीं है, ये सस्ती ज़रूर है। तो कोई ना, हम अपना वापस सीडर ढूंढते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सीडर, यार यार ये तो भाव तो बहुत सारे हैं। तो क्या हम गरीबों के लिए कोई सीडर नहीं है क्या भाई? तो गरीबों के लिए सीडर, गरीबों के लिए सीडर, गरीबों के लिए सीडर। हाँ ये है एक छोटा सा, लेकिन ये देखते हैं यहाँ पे। ओ भाई कितना बढ़िया और मस्त है। और लेकिन यार महंगा इतना है कि यार मैं खरीद नहीं सकता इस सीडर को। तो देख सकता हूँ, खरीद नहीं सकता, लेकिन हाँ इन फ्यूचर अपने पास थोड़ी सी इनकम हो जाएगी तब खरीद लें। कोई बात नहीं, हमें ये खरीदना है, ये थोड़ा सस्ता सा है, टिकाऊ सा है, तो चलेगा, खरीद लो भाई, है ना। तो हम ये वाला सीडर खरीद लेते हैं यहाँ से भाई। गरीब यही खरीद सकते हैं बस, क्योंकि अभी चैलेंजिंग सीरीज है, पैसे एक एक पैसे बचाने। और यहाँ पे थोड़े से हम क्या खरीदेंगे, सीड खरीद लेते हैं, ये बड़ा वाला पैक खरीद लेते हैं, क्योंकि गाइस अपने पास खेत भी तो काफी बड़ा है। तो ये सस्ता मिल सकता है क्या, उधार मिल सकता है क्या? हराम खोर ये उधार नहीं देंगे, हमें खरीदना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो खरीद लें, चलो खरीद लेते हैं यार। खरीदने का मन तो नहीं कर रहा, बहुत महंगा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खरीदना पड़ेगा। तो हम एक बैग ये खरीदेंगे और एक बैग दूसरी वाली सीड का खरीदेंगे, ठीक है, दोनों बैग खरीदेंगे। और ताकि मतलब ताकि दोनों तरह की सीड हमारे पास आ जाए और हमें सीड के लिए फिर यहाँ पे ना आना पड़े। इसीलिए हमें ना एक वो जो सेकंड वाला बैग है ना, ये वाला बैग भी खरीद लेंगे सीड का। तो खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, लेकिन इसके लिए मेरे को फिर वो सीडर भी तो चाहिए। उस सीडर में पता नहीं, ये वाला देखना पड़ेगा एक बार, उस वाले में लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मतलब ये उसको लोड कर पाएगा कि नहीं लोड कर पाएगा। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, क्योंकि वो सीडर मोड वाला है और गेम का सीडर नहीं है वो। तो यहाँ पे तो और कुछ है क्या, मैं देखता हूँ एक बार। और तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक बार यहाँ पे बैक करते हैं। और ये यहाँ पे चलो खरीद लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो वेल गाइस, हमने यहाँ पे 2 तरह की सीड खरीद ली, और अब इनको लोड कर लेते हैं अपनी ट्रॉली के अंदर फटाफट। तो वेल,
ये रही मेरी ट्रैक्टर। और पैसे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मेरे कितने सारे पैसे कम हो गए, कितने सारे पैसे कट गए ये खरीदने खरीदने के चक्कर में। और भाई और फिर से लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। तो ये मेरा सीडर है और इन्होंने मेरे को एक ही बैग दिया है। यहाँ पे देखो भाई, एक बैग और कहाँ है भाई मेरा एक बैग। वो भाई साहब, एक बैग इन्होंने दुकान के अंदर रख लिया और पैसे काट लिए। यार ये ना इंसाफी है यार, भाई ना इंसाफी है भाई ये। मेरा बैग दे दो यार, मर जाऊंगा गरीब आदमी हूँ भाई। देख रहे हो गाइस यहाँ पे। सो कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा, ट्रैक्टर के पीछे सीडर लगा के वहाँ पे लेके जाऊँगा और सीडर को अंदर से लोड कर लूँगा। आई होप ये मेरा आइडिया काम कर जाए और मेरे पैसे बच जाए। तो कोशिश करने में करके देख लेते हैं। वैसे कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती, आई मीन टू से कभी हार नहीं होती, और हिम्मत करता तो मारता खुदा, इस तरह की कुछ कहावत है। बेसिकली मेरी कहावत पे मत जाइए, मैं हमेशा उल्टी कहावतें कहता हूँ। वेल वो सब मोह माया, उसको छोड़िए। चलिए फटाफट क्या करते हैं, अपना सीडर को लगाते हैं और भाई कोशिश करता हूँ मैं अंदर से उस बैग को निकालने की। तो मोस्ट ऑफली कई बार निकल जाता है, और अब यार निकल जाए तो मज़ा आ जाए कि कितनी मेहनत से इतने पैसे कमाए थे। और यार इन्होंने मेरा मतलब सामान के पैसे काट लिए, सामान नहीं दिए। ये तो एक तरह की नाइंसाफी है यहाँ पे। इस पर पता नहीं कौन सा ग्लिच है, बग है, या फिर दुकान वाले सारे सस्ता नशा करके बैठे हैं। एक दो ट्रॉलियाँ पेड़ काटे थे तब जाके इतने पैसे इकट्ठे हुए थे। तो बताओ, पूरा मूड ख़राब हो गया। मैं यही कहना चाहूँगा अबे सालों। तो कोई ना, हम इस ट्रैक्टर को पीछे लेके जाते हैं और यहाँ पे पीछे की साइड अटैच करते हैं, शायद ये निकल आए। कोशिश करते हैं भाई, कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं टर्न ले लेता हूँ यहाँ पे, और बस अब इसको एकदम यहाँ से कांच के पास लेके जाएंगे, आर बटन दबाएंगे, सारा माल निकाल लेंगे। मैं फिर यही बोल रहा हूँ, जस्ट गाइस हम कोशिश कर रहे हैं, कंफर्म नहीं कह रहा कि ये हो ही जाएगा सक्सेस, जो भी होगा कोशिश करते हैं भाई। यहाँ पे धीरे थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और अब हम आर बटन दबाएं। नहीं गाइस, हम शायद इस तरह से इसको लोड नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, इस तरह से हम इसको लोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो भाई मज़ा नहीं आया यार। चलो कोई ना गाइस, एक और क्लिप भाड़े पे लेते हैं और इन अपने जो भी सामान वामान है उसको उठा के रखते हैं। मतलब मूड किरकिरा हो गया इसकी वजह से। सो वेल गाइस, मैंने इसको तो लोड कर लिया, और एक सस्ती सी फोर क्लिप लेते हैं और अपने इस बैग को भी अपने ट्रैक्टर के ऊपर रख लेते हैं। तो सस्ती सी फोर क्लिप मतलब सस्ते में काम निपट जाएगा अपना यहाँ पे। तो सस्ती वाले फोर क्लिप कहाँ है भाई, तो ये वाले फोर क्लिप ले लेते हैं हम यहाँ से, सस्ती सी है, चीपेस्ट सी है। चलो काम निकालना है, निकल जाएगा अपना। चलो फटाफट इसको ले लेते हैं यहाँ पे, और इस बैग को भी यहाँ पे रख देते हैं अपने को। चलो उठाते हैं बैग को, बस कोई कांड ना हो जाए यहाँ पे, क्योंकि मेरी किस्मत टूटी है ऐसा भी। सो वेल गाइस, हम इस सस्ते वाली फोर क्लिप से यहाँ से अपने माल को उठाते हैं और आराम आराम से अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड कर देते हैं, और उसके बाद फटाफट अपने फार्म पे निकलते हैं। तो बस हमें इसको एकदम आराम आराम से उठाना है, अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली में रख देना है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम शांति। चौथ किस्मत मेरी फूटी है यार, मेरे को पता था इस सस्ती वाली फोर क्लिप से यही होने वाला है, मेरे को लग रहा था। लेकिन क्या करें, अभी पैसे कम हैं तो अब ये खड़ी यहाँ से होने वाली नहीं है। अब मेरे को लगता है इस फोर क्लिप को रिटर्न करना पड़ेगा, नई फोर क्लिप लेनी पड़ेगी, और फिर अपने हम बैग को लोड कर पाएंगे। तो भाई बहुत बुरा हाल है यार, मज़ा नहीं आया यार, और पैसे की ऐसी की तैसी हो रही है मेरी यहाँ पे।
तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न करते हैं। चलो सो वेल गाइस, आप लोग देख सकते हो पैसे कितने कम हो गए। और अब की बार थोड़ी सी महंगी वाली किराए पे बढ़िया फोर्कलिफ्ट ली है, ये फोर्कलिफ्ट अच्छी है। और हम फटाफट अपना बैग को यहाँ पे अनलोड कर देते हैं यहाँ पे, और फिर अपने फार्म पे चलते हैं। और आप लोग पैसे देख सकते हो कितने कम हो गए हैं। तो यार फिर से कमाने पड़ेंगे, फिर से लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। और एक दिन कमीने शॉप वालों ने मेरा एक बैग जो सीड का है वो अंदर रख लिया। यार ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। चलो जो भी हुआ ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से और बस इस फोर्कलिफ्ट को यहीं पर छोड़ देते हैं और फटाफट भागते हैं अपने खेत पर। सो वेल गाइस, हम अपने फार्म पे पहुँच चुके हैं और इन सारे सामान को उतार दें। मैं इनको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ यहाँ पे। और सबसे पहले हम सीडर को अटैच करेंगे और ट्रॉली के अंदर से इसके अंदर सीड डाल लेंगे। हमें इस सीडर को जो सीडर की जो सीड है इसको नीचे उतारने की ज़रूरत ही नहीं है। फटाफट हम इसको अटैच कर लेते हैं अपने सीडर पे। तो इस तरफ से होगा, नहीं इस तरफ से नहीं होगा, उस तरफ से होगा। मेरे को ट्रैक्टर के साइड घुमाना पड़ेगा। हाँ घुमा, अरे नहीं लगेगा मेरे ख्याल से यहाँ से। मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया। अभी पैसे नहीं है तो क्या करें भाई, पैसे ऐसे पोकट में चले गए मेरे, दो बार ऐसे वेस्ट गए पैसे। तो कोई ना, आराम आराम से करते हैं काम, तो गुस्सा नहीं होना, आराम आराम से, एकदम आराम आराम से काम करेंगे। कौन सी ट्रेड करते हैं काम पे। यस, हमने इसको अटैच कर लिया और यहीं से मैं आर बटन दबा दूंगा तो ये ले लीजिएगा, यहाँ पे लोड हो गई। ठीक है, और कैप को क्लोज कर देते हैं हम इसकी। और अब मैं इसको फटाफट उगा लेता हूँ, सारी माथा पच्ची ख़त्म हो जाएगी। और मैं उगाने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। खेत काफ़ी बड़ा है तो इसमें टाइम लगेगा उगाने में, तो मैं उगा लेता हूँ पहले खत्म। सो वेल गाइस, मैंने सारे खेत के अंदर सीड लगा लिया है, थोड़ा सा बचा है। और ये पूरे के पूरे खेत के अंदर मैंने सीड लगा लिया है और अब ये सीड ग्रोइंग होगी। और अब हमें इस जो भी एक फील्ड है इसके अंदर डालना है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र के लिए तो अभी पैसे हैं नहीं, तो मैंने बीच में थोड़ा सा हेल्पर लगाया था अपने यहाँ पे। तो हेल्पर की वजह से भी देख सकते हैं मेरे सारे पैसे कट गए। और लेकिन जब तक ये हेल्पर यहाँ पे काम कर रहा था तब मेरा सामने की साइड ट्रॉली खड़ी है, मैं वहाँ से पेड़ काट काट कर और जो टुकड़े होते हैं उनको मैंने अपनी ट्रॉली में लगा लिया। अब मेरे पास ट्रैक्टर तो था नहीं था कि मैं दुकान पर बेच के आ जाऊँ, मतलब मील पर बेच के आ जाऊँ, क्योंकि ट्रैक्टर पे तो यहाँ पे हेल्पर लगा हुआ था। तो एक ट्रैक्टर की होने की वजह से मैं इनको बेच के नहीं आया। मैंने सारी अपनी लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया और अब हमें यहाँ से इन लकड़ियों को उठाना है और मिल पे बेचना है। और वहाँ से कुछ सामान खरीद के लेके आएंगे, फर्टिलाइज़र खरीद के लेके आएंगे और वो फर्टिलाइज़र इनके अंदर डालेंगे। तो वेल गाइस, ये रही मेरी यहाँ पे ट्रॉली, तो क्या करते हैं इसको हटा लेते हैं। और वैसे शाम हो रही है तो कोई नहीं, हम आएंगे तब तक रात हो जाएगी और सोने का टाइम भी हो जाएगा। तो हम चलो पहले फटाफट सामान वगैरह ले आते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने इसके अंदर से सीड निकाल दी, और जो सीड का मैं बड़ा बैग लाया था इसी तरह से मैंने उसके अंदर से टुकड़े टुकड़े करके सीड निकाल ली, पहले अपने सीडर में लोड की, उसके बाद आई बटन दबाकर उसको अनलोड करके इस तरह की मैंने पैकेज वगैरह बना लिए। तो फटाफट हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो वेल गाइस, फील्ड कंप्लीट हो गया। और क्या करते हैं, इस ट्रॉली को उठाते हैं यहाँ से और मिल पे बेच के आते हैं। और जो भी पैसे मिलते हैं यार उससे कुछ ना कुछ तो गुजारा होगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र वगैरह भी खरीदना है तो उसके लिए तो फिर से लकड़ियाँ बेचनी पड़ेंगी। और ये हेल्पर लगाकर मैंने लकड़ियाँ काट ली थी, अच्छा किया। ओ, एक लकड़ी मेरी नीचे गिर गई। तो क्या करते हैं, इस लकड़ी को ले लें या छोड़ दें? अरे नहीं, पैसे आएंगे तो क्यों ना हम इस लकड़ी को नीचे उतरते हैं और बांध लेते हैं भाई।
सो वेल गाइस, पूरी ट्रॉली लोड हो चुकी है और पूरी मतलब ट्रॉली की कैपेसिटी नहीं है, इतनी सारे मैंने पेड़ काट के इस पर लाद दिए हैं। तो आई होप यार जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँच जाए और कहीं रास्ते में पलटी ना हो। बस हमें एक शॉप पे अब की बार ये बेच देंगे, जो पैसा आएगा उससे फर्टिलाइजर खरीद के ले जाएंगे अपने इस नए वाले खेत के लिए। तो चलिए मैं मिल पे पहुँचता हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सो वेल गाइस, हम मिल पे पहुँच चुके हैं और कम से कम 10-12 हज़ार रुपये इतनी सारी लकड़ियों से मेरे को मिल ही जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखते हैं कितने मिलते हैं। तो फटाफट इन लकड़ियों को बेचते हैं और जो भी अमाउंट आएगा उससे फर्टिलाइजर खरीदेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। लेकिन यहाँ भी एक पंगा खड़ा होगा देखना रोड पे, तो एक गाड़ी वाला आके मेरी ट्रैक्टर को कितनी पूरी तरह से ठोकेगा। मतलब ये वाले गेम प्ले में मेरी पूरी नसीब एकदम ख़राब ही रही है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पंगेबाजी होती रही है। तो वेल वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। तो फटाफट यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी लकड़ियों को सेल करते हैं। यहाँ पे कितने की बिकी, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। और भी हैं तो एक बार और, एक बार और नहीं, मेरे को शायद यहाँ पे बेल्ट खोलनी पड़ेंगी इनकी, बेल्ट खोल जा भाई। और ये भी इतने के बिक जाए तो यार काफ़ी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे इसको भी खोल देते हैं यहाँ पे। यस, अब इनको देखते हैं यहाँ पे कितने की बिकती हैं। यहाँ पे तो फिर भी यार 3,000 समथिंग मेरे को पैसे मिल गए और एक लकड़ हो रहे हैं। तो ये कितने का बिकेगा, इसको भी यहाँ से उठाते हैं यहाँ से और यहाँ डाल देते हैं और देखते हैं ये कितने का बिकेगा। मैं सोच रहा हूँ अगर इनको एक एक करके बेचा जाए तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे गिर जाओ और रेयर यहाँ पे डाल भाई इसको। चलो बेचते हैं अब इसको फटाफट, 500-700 रुपये, देखते हैं कितने मिलते हैं यहाँ पे। ओ भाई, 752 रुपये मिले, जो कि काफ़ी एक अच्छा अमाउंट है यार। तो इतने में तो मैंने अपने तंबू लिया था, मेरे को याद है। तो चलो अभी हम फटाफट फार्म पे चलते हैं और यहाँ पे एक रोड पे एक एक्सीडेंट होने वाला है मेरे साथ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हालत मतलब बुरी है, मतलब ये पूरा गेम आज मेरा ख़राब गया, मतलब टूटी किस्मत कुछ, क्योंकि इस मैप में कुछ ना कुछ हादसे हो ही रहे हैं। हो सकता है कि यार ये ग्लिच की वजह से है कि मैप में ग्लिच है, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है। तो आज का गेम प्ले अच्छा नहीं गया मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेरे को सामान नहीं दिया, एक तो वो था। बस अब यही एक होना बाकी था। लो भाई ये भी हो गया। तो वेल गाइस, मैं फिर मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। और आज का जब मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब दिन अच्छा नहीं है, मनहूस दिन है, क्योंकि देख सकते हो मेरे पास लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं और ये चैलेंज सीरीज में तो कितना डिफिकल्ट महसूस कर रहा हूँ भाई, मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये चैलेंज सीरीज पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे और सब कुछ यही सब रहेगा।